बस बस भैया रोक दो। हाँ बहन जी, आपके 50 रुपए हो गए। अरे क्या बात कह रहे हो, मैं रोज रिक्शा से आया जाया करती हूँ, आज तक मैंने रिक्शा वाले को 20 रुपए से ज्यादा नहीं दिए। पकड़ो 20 रुपए। राधिका उसे 20 रुपए देकर चली जाती है। रिक्शा वाला उसका मुंह ताकते रह जाता है। राधिका छोटी छोटी बातों में कंजूसी दिखाने में बाज नहीं आती थी। अरे बहू, मुझे सुमन के घर जाना है, जरा ओला तो बुलवा दे। राधिका हैरानी से पूछती है, क्या ओला? अरे माँ जी, 4 कदम चलने के लिए आपको ओला चाहिए? अब ऐसे बात बात पर पैसे लुटाएगी तो घर कैसे चलेगा, हम बचत कैसे करेंगे? अपने बहू के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सरला बोलती है, बस कर मेरी माँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं चली अपने कमरे में। क्या फूटी किस्मत है मेरी जो ये मक्की जूस बहू बनकर आई। एक दिन बाजार में खरीदारी करते समय, हाँ हाँ भैया, इसे भी पैक कर दो और वो वाला भी, सारा ही पैक कर दो। ये लीजिए बहन जी, इस सब सामान का 1000 रुपए हो गए हैं। अरे पागल बना रहे हो, एक तो चाइना माल बेच रहे हो, ऊपर से इतने ऊंचे दाम बता रहे हो। मैं तो बस 500 रुपए ही दूंगी, लेना है तो लो। अरे बहन जी, ये तो लागत के भी पैसे नहीं है, क्या कर रही है आप, मुझे मत सिखाओ। ये लो पैसे, इससे ज्यादा 1 पैसा नहीं मिलेगा। दुकानदार देखता ही रह जाता है और राधिका वहाँ से चली जाती है। राधिका की इन हरकतों को देखकर एक दिन उसकी सास उसे समझाने लगती है, लेकिन राधिका अपनी सास को ही 2 बातें सुना देती है। एक दिन, चलो जल्दी, देर हो रही है। अरे 2 मिनट रुकिए ना, ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। अरे बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, किसी को बुला के ये दरवाजा ठीक करवा ले, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 200-400 का खर्चा आएगा। और क्या माँ जी, आप सारा दिन घर में बैठ के पैसे खर्च करवाने के तरीके सोचती रहती है क्या? मुझे ठीक नहीं करवाना, जैसा है वैसा ही रहने दो। उसी रात राधिका के घर में चोर आता है। हे, इस घर के लोग कितने बेवकूफ है, इस दरवाजे में तो कड़ी ही नहीं है। अरे मुझे कुछ साल चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चोर राधिका के पूरे पैसे और गहने लेके चले जाता है। सुबह जब घर वालों को और राधिका को चोरी का पता चलता है तो राधिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे बेवकूफ, तुझे 1000 बार समझाया था कि दरवाजा ठीक करवा ले, लेकिन तूने एक नहीं मानी। 200-400 बचाने के चक्कर में 2-4 लाख गवा बैठी। अरे माँ, इस कंजूस को कई बार समझाया था कि जमाना खराब है, इतने सारे रुपए गहने घर में कोई नहीं रखता, तो कहती है मुझे बैंक वालों में विश्वास नहीं है, मैं अपने पैसे किसी को नहीं दूंगी। अब हो गया, अब बैठ के तलो। इस तरह राधिका ने सालों साल कंजूसी करके जितने भी पैसे बचाए थे, एक रात में ही चोर सारे पैसों पे हाथ साफ कर गया। यह है प्रभा देवी और इनका बेटा गोपाल और बहू राधिका। एक दिन प्रीति, जो गोपाल की बहन है, वो घर आती है। अरे दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? अब हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। धन्यवाद भाभी। प्रीति जो राधिका की ननद है, इस घर में सबके रिश्ते एक दूसरे से अच्छे हैं। राधिका सबका ध्यान रखती है और अच्छी बहू है। और एक दिन प्रभा देवी, राधिका और प्रीति शॉपिंग के लिए जाते हैं। तीनों शॉपिंग करने के बाद पेमेंट करने के लिए जाते हैं। माँ, मेरे बैग में पैसे कम हो गए हैं, जबकि 15,000 रुपए रखे थे, अब तो 10,000 ही है। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, याद करो, तुम भूल गई होगी बेटा, अभी तो आपके बैग को किसी ने छुआ भी नहीं है, आपका ध्यान नहीं रहा होगा, शायद आपने 10,000 ही रखे होंगे। शायद मैंने 10,000 ही रखे होंगे। किसी ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं क्या? हम तो अभी बाजार से आ रहे हैं, मैंने भी नहीं निकाले आपके पर्स से। समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। प्रीति और माँ बैठ के बातें कर रहे होते हैं।
तभी प्रीति को राधिका अपने कमरे में छुपकर पैसे गिन रही होती देखती है। माँ, राधिका छुपकर पैसे क्यों गिन रही है? मुझे लगता है राधिका ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। यही पता करने के लिए प्रीति एक प्लान बनाती है। पैसों से भरा बैग हॉल में सोफे पे रख देती है और छुपके से देखती रहती है। राधिका किचन से अपना काम खत्म करके आती है और देखती है पैसों से भरा बैग रखा है और उस पर्स से पैसे निकालती है। माँ और प्रीति ने ये बात गोपाल को बताई। आप लोग क्या कह रहे हो? राधिका ऐसा क्यों करेगी? वही तो हमें पता करना है। रात को जब गोपाल अपने कमरे में जाता है, मुझे आपको एक बात बतानी है, पर मुझे डर लग रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। अरे, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे चोरी करने की आदत है। मतलब? मैं ना चाहते हुए भी अगर कहीं पे पैसे रखे देखती हूँ तो उसे मैं चोरी कर ही लेती हूँ। क्या, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं डरती थी कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे। ये बिल्कुल उसी तरह की बीमारी है जो लोग नींद में चलते हैं। उसी तरह में ना चाहकर चोरी करने के लिए मजबूर हो जाती हूँ। अरे घबराओ मत, इसका इलाज हो सकता है। सुबह ये बात राधिका सबको बताती है। अरे राधिका, डरने की कोई बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के काउंसलिंग के बाद तुम इस आदत से छुटकारा पा सकती हो। राधिका को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है और उसके काउंसलिंग के बाद राधिका की आदत धीरे धीरे बंद हो जाती है।